So guys, in the last lecture, we have completed with something called as mitochondria. Mitochondria में हमने ऑक्सीजोम्स के बारे में भी पढ़ा. आज के लेक्चर में हम लोग एक नया सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स ये जो एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि डबल वॉल्ड ऑर्गेनल है. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी दो दीवारें थी. यस, एक बाहर की दीवार जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और एक अंदर की दीवार जिसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. आउटर और इनर मेम्ब्रेन में से कौन सी वाली मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की फोल्डेड थी बता दीजिए एवरीवन इन द चैट बॉक्स. आउटर या इनर विच मेम्ब्रेन वाज हाईली फोल्डेड इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया विच मेम्ब्रेन इज हाईली फोल्डेड? इनर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. बट इन केस ऑफ योर प्लास्टिड नो मेम्ब्रेन्स आर फोल्डेड. दोनों के दोनों मेम्ब्रेन्स जो है, दोनों के दोनों जो वॉल्स है, दीवार जो है तुम्हारे प्लास्टिड्स के, वो प्लेन होंगे. कोई फोल्डिंग वोल्डिंग नहीं होगी. ये डिफरेंस है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के बीच में. इज दैट क्लियर? कि अगर मुझे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा. ये उसकी बाहर की दीवार बना दी, ये मैंने उसके अंदर की दीवार बना दी. कोई भी दीवार में कोई भी फोल्ड नहीं होने वाला है. देयर इज नो फोल्डिंग प्रेजेंट. इनर मेम्ब्रेन भी फोल्डेड नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन भी फोल्डेड नहीं है. इज दैट क्लियर? Now, there is one more important thing which we should remember over here. जैसे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए डीएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का आरएनए था, माइटोकॉन्ड्रिया खुद का 70S राइबोसोम था. उसी तरीके से तुम्हारा प्लास्टिड के पास में भी क्या क्या होगा? प्लास्टिड के पास में भी डीएनए होगा, आरएनए होगा और 70S राइबोसोम भी होगा. वापस से मैं फर्स्ट लाइन रिपीट कर रहा हूँ कि तुम्हारा जो प्लास्टिड है वो डबल वॉल्ड सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर डीएनए, आरएनए और 70S राइबोसोम होगा. एनी डाउट्स? फटाफट, एनी डाउट्स? नो डाउट्स, फाइन. अब बच्चे लोग, प्लास्टिड्स जो रहते हैं ना वो अलग अलग प्रकार के होते हैं. प्लास्टिड्स जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है? अब वो अलग अलग प्रकार के हम किस हिसाब से क्लासिफाई कर सकते हैं? उसके बेसिस ऑफ कलर. उसके अंदर कौन सा कलर है, प्लास्टिड के अंदर कौन सा कलर है, कौन सा पिगमेंट है, उस हिसाब से हम लोग प्लास्टिड को तीन प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं. या तो उसको ल्यूकोप्लास्ट बोलो, या तो उसको क्रोमोप्लास्ट बोलो, या तो उसको क्लोरोप्लास्ट बोलो. आई रिपीट, प्लास्टिड्स के तीन टाइप्स होते हैं. क्यों? बिकॉज प्लास्टिड तीन टाइप में क्यों डिवाइड किया गया है? बिकॉज हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट, उसके अंदर कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, उस हिसाब से हमने प्लास्टिड्स के तीन कैटेगरीज बना लिए हैं. ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या है? कि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है. ल्यूको का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है? व्हाइट. लिखो 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 लिखो, सब लोग लिखो. ल्यूको, LEUCO. ल्यूको का मतलब क्या होता है? व्हाइट. व्हाइट का मतलब क्या है? कि ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट. अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये प्राइमरीली किसके लिए बना हुआ है? स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ल्यूकोप्लास्ट का काम धंधा क्या होता है बच्चों लोग? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करो. अब ल्यूकोप्लास्ट जो है वो तीन प्रकार का होते हैं. एक तो वो अमाइलोप्लास्ट बोलो, या तो एलायोप्लास्ट बोलो, या तो वो अल्यूरोप्लास्ट बोलो, ठीक है? ये तीनों के तीनों तुम्हारे ल्यूकोप्लास्ट के क्या है? सब टाइप्स है, ठीक है? सब टाइप्स ऑफ योर ल्यूकोप्लास्ट. सब टाइप ऑफ योर ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट, ठीक है? हमने क्या बोला? ल्यूकोप्लास्ट एक ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है और ये तुम्हारा स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स में काम करेगा ल्यूकोप्लास्ट. और ल्यूकोप्लास्ट के तीन टाइप्स होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट, ठीक है? डन? इज दैट क्लियर? यस नो इन द चैट बॉक्स. इज दैट क्लियर? सिंपल चीजें हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. इज दैट क्लियर? यस नो इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड, ठीक है? प्लास्टिड्स हमारे डबल वॉल्ड ऑर्गेनल जिसमें डीएनए, आरएनए, 70S राइबोसोम होते हैं. प्लास्टिड्स को हम लोग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पिगमेंट उसके अंदर है, कौन सा कलर उसके अंदर है. फिर क्या बोला? ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, अलायोप्लास्ट, ये तुम्हारे तीन तीन प्रकार के प्लास्टिड्स हैं. ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है और ये तुम्हारा स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करने के लिए मदद करेंगे. ल्यूकोप्लास्ट तुम्हारे तीन इसमें डिवाइड किए गए हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट. अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है गाइस? अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है स्टार्च को. अलायोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? अलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स को.
अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है? अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को. सो अमाइलोप्लास्टोस स्टार्च, एलायोप्लास्टोस ऑयल, अल्यूरोप्लास्टोस प्रोटीन. एमसीक्यू क्वेश्चन. अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? स्टार्च को. एलायोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? ऑयल को. अल्यूरोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा? प्रोटीन को. तीनों के तीनों कौन से वाले टाइप है, किसके टाइप है? ल्यूकोप्लास्ट के टाइप है. क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट क्या करेगा? स्टोरेज करेगा. किसका स्टोरेज करेगा? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगा. कौन से न्यूट्रिएंट्स? या तो वो स्टार्च को स्टोर कर सकता है, या तो वो ऑयल को स्टोर कर सकता है, या तो वो प्रोटीन को स्टोर कर सकता है. अगर वो स्टार्च को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट है तो उसको हम लोग अमाइलोप्लास्ट बोलेंगे. अगर वो ऑयल को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट है तो हम लोग उसको अलायोप्लास्ट बोलेंगे. अगर प्रोटीन को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अल्यूरोप्लास्ट. ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स. कम ऑन एवरीवन, जिसको समझ में आया ड्रॉप योर हार्ट्स. वेरी गुड. अब हो गया हमारा पहला प्लास्टिड डन, जिसका नाम है ल्यूकोप्लास्ट. दूसरा वाला प्लास्टिड है उसका नाम है क्रोमोप्लास्ट. बेटा बायोलॉजी में क्रोमो का मतलब होता है कलर. लिखो ल्यूको का मतलब व्हाइट एंड क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर. ल्यूको का मतलब व्हाइट एंड क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलर. लिखो अभी के अभी लिखो. ल्यूको मतलब व्हाइट. ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूको का मतलब क्या है? व्हाइट. WHITE, व्हाइट कलर. एंड क्रोमो का मतलब क्या होता है? कलरफुल या फिर कलर्ड. इज दैट क्लियर? इसमें कलरफुल पिगमेंट्स होने वाले हैं. डन. इज दैट क्लियर? क्रोमोप्लास्ट में कलरफुल पिगमेंट्स होने वाले हैं, कलरफुल कलर्स होने वाले हैं तुम्हारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर. बट तुम्हारे ल्यूकोप्लास्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होगा. देयर इज नो कलर इन ल्यूकोप्लास्ट. ठीक है, चलिए फटाफट क्रोमोप्लास्ट को समझते हैं. क्रोमोप्लास्ट जो है पिगमेंट्स होते हैं. पिगमेंट का नाम क्या, कलर का नाम क्या बच्चों? कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल. कैरोटिन का कलर क्या होगा? किसी को कुछ आइडिया आ रहा है? कैरोटिन का नाम पढ़ के कैरोटिन का कलर क्या हो सकता है? करेक्ट, वेरी गुड सलोनी. कैरोटिन का कलर क्या होगा? ऑरेंज. कैरेट का कलर क्या है बच्चों? ऑरेंज ना. तो कैरेट को कलर क्यों आता है पता है? बिकॉज उसमें क्रोमोप्लास्ट है जिसमें कैरोटिन नाम का पिगमेंट है. इज दैट क्लियर? कैरोटिन का कलर क्या होता है? ऑरेंज. सो तुम्हारे कैरेट के अंदर क्या होगा? यही कैरोटिन नाम का पिगमेंट होने वाला है. और उसमें ये क्रोमोप्लास्ट है जिसमें कैरोटिन नाम का पिगमेंट है, जिसकी वजह से कैरेट को क्या कलर आता है? ऑरेंज कलर आता है. ज़ैंथोफिल का कलर भी ऑलमोस्ट येलोइश ऑरेंज है. ज़ैंथोफिल का कलर भी ऑलमोस्ट येलोइश ऑरेंज है. ठीक है, सो ये याद रखिए, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल ये तुम्हारे दो पिगमेंट्स हैं जो तुम्हारे क्रोमोप्लास्ट के अंदर होंगे. लास्ट हमारा सबका फेवरेट, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का कलर बता दो जरा. क्लोरोप्लास्ट का कलर बता दो फटाफट. क्लोरोप्लास्ट कलर. वेरी गुड. ग्रीन. ठीक है, ग्रीन कलर का होता है क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हम सब ने बचपन से पढ़ा हुआ है, फोटोसिंथेसिस. यस और नो एवरीवन? ठीक है, वन शॉट में पूरा करवा देता हूँ ये प्लास्टिड वाला स्लाइड. तुम्हारे प्लास्टिड जो है वो डबल वॉल से बने हुए हैं. ठीक है, डबल वॉल से बने हुए हैं. डीएनए होता है, आरएनए होता है, उसके अंदर 70S राइबोसोम्स होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स में क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिड को क्लासिफाई करेंगे तो वो किसके हिसाब से करेंगे? प्रोटीन, कौन सा पिगमेंट है उसके अंदर, उसके हिसाब से करेंगे. अगर वो ल्यूकोप्लास्ट कहलाता है तो उसमें कोई पिगमेंट नहीं होने वाला है, वो तुमको स्टोरेज में काम करवाने वाला है. ल्यूकोप्लास्ट तीन प्रकार के होते हैं, अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट एंड अल्यूरोप्लास्ट. अगर अमाइलोप्लास्ट है तो वो स्टोर करेगा स्टार्च, अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल को, अल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा प्रोटीन को. क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें कलरफुल पिगमेंट होते हैं जैसे कि कैरोटिन एंड ज़ैंथोफिल. ये तुम्हारे फ्रूट्स को, ये तुम्हारे फ्लावर्स को कलर देने का काम करेगा. कौन? क्रोमोप्लास्ट. लास्ट वाला हमारा जो दैट इज कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहता है फॉर फोटोसिंथेसिस. तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट का कलर क्या होगा? ग्रीन. जिसको समझ में आया ड्रॉप योर हार्ट्स इन चैट बॉक्स. कम ऑन एवरीवन.
देखिए बच्चों लोग, ये पूरा जो तुमको दिख रहा है ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। ये बीच में जो तुमको दिख रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ टिपिकल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और तुमको आजू बाजू में दिख रहा है वो सारे एल्गे है, प्लांट्स के सेल है, ठीक है। एल्गे एल्गे देखो, ये स्पायरोगायरा है, यहाँ पे तुमको यूग्लिना दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको क्लमाइडोमोनस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तुमको जिग्निमा दिखाई दे रहा है। यस, ये सारे एल्गे है एल्गे के क्या है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट है, इसलिए वो ग्रीन ग्रीन कलर के होते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई यूज लाइट एनर्जी टू मेक ग्लूकोज। मतलब क्या है, कौन सी प्रोसेस है बच्चे लोग, फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, मतलब फूड बनाने वाला है। चलिए फटाफट से क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट के डिटेल्स में जाते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि ऑलरेडी कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर है। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर, आई रिपीट, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। देखिए बाहर वाली मेम्ब्रेन है, मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ सो दैट वी कैन बी एबल टू ऑब्जर्व दैट। ये बाहर की मेम्ब्रेन है और ये अंदर की मेम्ब्रेन है। कैन यू ऑल सी दैट, कैन यू ऑल सी दैट, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन से बनी है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। फिर क्या बोला है, इनर मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली लेस परमीएबल। देखिए यहां पे भी वही कहानी है, यहां पे भी वही कहानी है जो माइटोकॉन्ड्रिया में थी। आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमीएबल थी, इनर मेम्ब्रेन लेस परमीएबल है, यस और नो? आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की एकदम परमीएबल थी क्या, नहीं थी? परमिशन दे रही थी सबको कि आओ जाओ तुम्हारा राज, तुमको किसी को अंदर जाना है अंदर जाओ, बाहर जाना है बाहर जाओ, आउटर मेम्ब्रेन से। बट जब इनर मेम्ब्रेन की माइटोकॉन्ड्रिया की बात हुई थी, तब इनर मेम्ब्रेन में से सारी चीजें पास नहीं हो सकती, वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी। उसी तरीके से तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट में भी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल है गाइस। लेस परमिएबल टू व्हाट, एनी मॉलिक्यूल। समझ में आया, इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सैक का मतलब क्या होता है, SACS, सैक का मतलब क्या होता है, बैग जैसे स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। अब ये समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बताता हूँ क्या है बेटा। आपको यहाँ पे ऐसा एक ये दिखाई दे रहा है गोला, कैन यू ऑल सी दिस वन गोला, वन सर्कल, this one circle is called as thylakoid, this one circle is called as thylakoid, can you see that, ki ye circle jo hai wo ek ke niche ek ke niche ek ke niche ek aise arrange kiye gaye hain, yes, can you see that ye circles jo hai wo dheere dheere niche niche dikhte jao arrange ho gaye hain, so matlab thylakoid ke upar thylakoid, thylakoid ke upar thylakoid, thylakoid ke upar thylakoid, dahi andi bana hai na yahan pe thylakoid ka, yes or no, dahi andi ek ke upar 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 ek, thylakoids kaise ek ke upar ek chadkar baithe hue hain, yes, ab jab ye thylakoids aise arrange ho jate ek ke upar ek ke upar ek ke upar ek, us arrangement ko ya fir us stack ko, us arrangement ko hum log kya bolte hain, फुल टू फुल, ये पूरा अगर मैं काउंट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ग्राना। इसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग, हम लोग ग्राना। और एक गोला अगर मैं बोलूंगा तो एक गोला क्या हो जाएगा, थाइलाकॉइड। कंफ्यूज मत होना, एक गोला थाइलाकॉइड, पूरा गोलों का एक बंच को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राना। डन, थाइलाकॉइड के बंच को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राना। थाइलाकॉइड के बंच को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राना। वन सर्कल और वन स्ट्रक्चर इज रेफर टू एज थाइलाकॉइड, इज दैट क्लियर एवरीवन? यो, ठीक है। क्या बोला गया था, क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें डबल मेम्ब्रेन होती है और उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो ज्यादा परमिएबल है, अंदर की मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। जो तुम्हारा थाइलाकॉइड होता है वो क्या है, थाइलाकॉइड एक सैक जैसा, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है। अगर ये बैग एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे अरेंज करके रखेंगे और ऐसा एक
क्या बोलते हैं, ऐसा एक बंच बनाएंगे उसका, उस बैग का, तो उस एक बंच को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना। जैसे हमारे पास में नहीं होते, हमारे पास में एक किताब होती है, एक बुक होती है, और एक बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक के ऊपर बुक ऐसे रहेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हीप ऑफ बुक्स और पाइल ऑफ बुक्स, यस और नो। उसी तरीके से एक थायलाकॉइड है, उसके ऊपर दूसरा थायलाकॉइड है, उसके ऊपर तीसरा थायलाकॉइड है, उसके ऊपर चौथा थायलाकॉइड है, उसके ऊपर पांचवा थायलाकॉइड है, ऐसे पांच थायलाकॉइड का क्या बनेगा, एक ग्राना बनेगा। पांच जरूरी नहीं है, कभी दस भी चले जाते, कभी दो तीन भी होते, कभी कभी चार पांच भी होते हैं। इज दैट क्लियर? एक ग्राना के अंदर कितने भी थायलाकॉइड्स हो सकते हैं, कोई ऐसा नंबर स्पेसिफिक नहीं है। डन, अंडरस्टूड? अंडरस्टूड चुन्नु मुन्नु टुन्नु पुन्नु, इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। तुम्हारे ग्राना जो है वो एक एरिया में है, उसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। बेटा तुम्हारे सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है बता दीजिए, व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल? एवरीवन, सबको पता है व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल? सेल में टिश्यूज है, वाह 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 रूपम, सेल में कौन टिश्यूज है, न्यूक्लियस, भगवान क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है ना बेटा, क्या हो गया, ऐसे बहक काहे गए हैं? ये देखिए, ये मैंने सेल बनाया, सेल में ऐसा न्यूक्लियस बनाया, और न्यूक्लियस के आजू बाजू में क्या है, साइटोप्लाज्म। यस और नो, बहक मत जाओ सब लोग, यस। चलिए, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, उसी तरीके से ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, ये तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है, पूरा क्लोरोप्लास्ट है, इतना बड़ा जो गोला बनाया ना, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट ही क्लोरोप्लास्ट। बट ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, उसका साइटोप्लाज्म। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या बोलते हैं प्रियंका, स्ट्रोमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। वापस से एक बार सुनो, ध्यान से सुनो। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है स्ट्रोमा, और उस स्ट्रोमा के अंदर तुमको क्या दिखाई देंगे, ग्राना। इज दैट क्लियर? देखिए कितने सारे ग्राना है, कितने सारे, एक ग्राना, दो ग्राना, तीन ग्राना, चार ग्राना, सारे ग्राना किसके बीच में है, किसके अंदर है, स्ट्रोमा के अंदर है। पांच छह ग्राना, सात ग्राना, आठ ग्राना, ग्राना ही ग्राना है, ग्रानी नहीं, ग्रानी मतलब दादी माँ, ग्राना की बात हो रही है, ग्राना, यहाँ पे दादी की बात नहीं हो रही, दादी नानी की बात नहीं हो रही, ग्रानी नहीं है, ये ग्राना है, ग्राना, जी आर ए एन ए। इज दैट योर, यस और नो? सो क्लोरोप्लास्ट को देखिए, डबल मेम्ब्रेन है, बाहर की मेम्ब्रेन देखिए, अंदर की मेम्ब्रेन देखिए, ठीक है, बाहर की मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, बाहर की मेम्ब्रेन कुछ ज्यादा ही परमिएबल है, अंदर की मेम्ब्रेन कुछ कम परमिएबल है। प्रथमेश ने पूछा वाई सो मेनी ग्राना, बताता हूँ प्रथमेश, एक मिनट दिल थाम के बैठिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल। उसके बाद में क्या बोला गया है कि तुम्हारा जो थायलाकॉइड्स है वो तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। थायलाकॉइड क्या है, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, थायलाकॉइड के ऊपर थायलाकॉइड, थायलाकॉइड के ऊपर थायलाकॉइड, अगर ऐसे थायलाकॉइड का अरेंजमेंट तुमको दिखाई देगा तो उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना। ग्राना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ग्राना तुम्हारे स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा कौन सा वाला हिस्सा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो फ्लूइड वाला पार्ट है, वो वाला हिस्सा है, ठीक है। स्ट्रोमा के अंदर तुम लोग क्या देख सकते हो, स्ट्रोमा लैमेले। स्ट्रोमा के अंदर तुम लोग क्या देख सकते हो, स्ट्रोमा लैमेले, जो तुम्हारे ग्राना को कनेक्ट कर रही है। देखो बेटा, देखो ग्राना को कनेक्ट कर रही है, दो ग्राना एक दूसरे से बिछड़े हुए नहीं है, कनेक्टेड है। कैन यू ऑल सी दैट, ये एक ग्राना, ये दूसरा ग्राना कनेक्शन बनाया है, ये एक ग्राना, ये दूसरा ग्राना
कनेक्शन बनाया है, ये एक ग्राना, ये दूसरा ग्राना, कनेक्शन बनाया है, यस और नो? ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। सो वो कनेक्शन किससे बनाया है? ग्रानास आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमेले। ग्राना किससे कनेक्ट होते हैं? स्ट्रोमा लैमेले। ग्राना किससे जुड़े हुए हैं? स्ट्रोमा लैमेले। इज दैट क्लियर? यो वेरी गुड। देखिए ये एक ग्राना है, ये दूसरा ग्राना है, दोनों ग्राना स्ट्रोमा लैमेले से जुड़े हुए हैं। देखिए स्ट्रोमा लैमेले, ये जो लाइन बीच में जा रही है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेले। सिंपल, वेरी गुड। चलिए अब ये काय को हम लोग पढ़ रहे हैं, स्ट्रोमा, ग्राना, थाइलाकॉइड, इतने सारे ग्राना क्यों पढ़ रहे हैं बेटा? पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट किस प्रोसेस में काम करता है चुन्नू मुन्नू? पूरा क्लोरोप्लास्ट कौन सी प्रोसेस में काम करता है प्लांट के लिए? कम ऑन, विच प्रोसेस? सलोनी बोल रही है राइबोसोम, मैं उधर आके मारूंगा अभी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना, कान नाक मुंह सारे सेंस ऑर्गन खोल के रखो, सो मत जाना बीचों बीच। वैभव बोल रहा है, वैभव ने इतने बार फोटोसिंथेसिस देख लिया चैट बॉक्स में फिर भी लिख रहा है ग्राना। बेटा वैभव नहीं, सॉरी वैष्णवी, मैं क्या पूछ रहा हूँ, तुम लोग क्या आंसर कर रहे हो नालायक बच्चों? ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ। मैंने बोला कि फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहा है बच्चों लोग? फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस कर रहा है। तो इतना ग्राना 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 काइको पड़ा, इतना ग्राना इसलिए पड़ा बिकॉज ग्राना के अंदर ही तो तुम्हारा क्लोरोफिल है। समझ में आया? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ऐसा बिखरा हुआ नहीं है, उसको ग्राना नाम के बैग में रखा हुआ है। इज दैट क्लियर? थाइलाकॉइड्स नाम के बैग में रखा हुआ है क्लोरोफिल को। इज दैट क्लियर? थाइलाकॉइड की जो बैग है, थाइलाकॉइड की जो बैग है उसमें है क्लोरोफिल। तो तुम्हारे ग्राना के अंदर क्या है? क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ही क्लोरोफिल क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मदद करेंगे। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को अब्सॉर्ब करना, यस और नो? प्लांट्स तो धूप में खड़े रहते हैं ना, ताकि सनलाइट अब्सॉर्ब करके क्या कर सके? तुम्हारा फूड बना सके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। इज दैट क्लियर? ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। सो मैं क्या बोलना चाहता था कि ये स्ट्रोमा, ये थाइलाकॉइड, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो तुम्हारी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम करेंगे। ये स्ट्रोमा, ये थाइलाकॉइड के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो तुम्हारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में काम करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसका खुद का डीएनए और उसका खुद का राइबोसोम्स भी होते हैं। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कि उसके पास में उसका खुद का डीएनए और उसका खुद का राइबोसोम होता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए वन शॉट में क्लोरोप्लास्ट करवा देता हूं फटाफट, वन शॉट में पूरा ध्यान दो, कोई चैट बॉक्स में जाके टाइप नहीं करेगा, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनेंगे अभी सब लोग, ठीक है? क्या क्या बोला है मैंने? क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो डबल मेम्ब्रेन है, जिसके पास में दो मेम्ब्रेन होती है। बाहर की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंदर की मेम्ब्रेन को इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ज्यादा परमिएबल है कि वो बोलती है कि चले जा मॉलिक्यूल, तेरे को मेरे अंदर से गुजरना है, गुजर जाओ। बट इनर मेम्ब्रेन जो है वो नहीं देती है, वो अलाउ नहीं करती है मॉलिक्यूल्स को पास करने के लिए, वो कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही पास कर सकती है। इसलिए इनर मेम्ब्रेन जो है वो लेस परमिएबल है एंड आउटर मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमिएबल है। जो तुम्हारा क्लोरोप्लास्ट है उसमें बैग जैसा, सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है थाइलाकॉइड्स। अब ये जो थाइलाकॉइड्स है बच्चों लोग, उसका अरेंजमेंट तुम लोग देख रहे हो और वो अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राना।
अब ये जो ग्राना है वो किधर प्रेजेंट है, वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है. व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा इज अ सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा इज अ सेमी सॉलिड जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट. नाउ स्ट्रोमा के अंदर आप लोग देख रहे हो स्ट्रोमा लैमेले. ये स्ट्रोमा लैमेले क्या है? ये कनेक्शन है तुम्हारे दो ग्राना के बीच का. दो ग्राना एक दूसरे के साथ में स्ट्रोमा लैमेले से जुड़े हुए हैं. स्ट्रोमा जो है वो तुम्हारा और थायलाकॉइड जो है वो तुम्हारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर है, और ये दोनों के अंदर तुम्हारे फोटोसिंथेसिस करने के लिए एंजाइम्स अवेलेबल है. क्लोरोप्लास्ट के पास में उसका खुद का डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है. जिसको जिसको चमका जस्ट डू बल्ले बल्ले इन द चैट बॉक्स एवरीवन. यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड. ठीक है, वन शॉट में क्लोरोप्लास्ट भी हो चुका है. नेक्स्ट मूव, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेल, ऑर्गेनल ऑफ द डे, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स पढ़ा है? राइबोसोम्स के बारे में कभी भी कभी सुना है? राइबोसोम के बारे में 10th स्टैंडर्ड में आपने राइबोसोम के बारे में सुना है? 10वीं कक्षा, हाँ या ना? अब ये जो बच्चे हाँ 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 कर रहे हैं, जरा ये भी बता देना कि राइबोसोम कहाँ पे पड़ा था. राइबोसोम कहाँ पे पड़ा था? कम ऑन कम ऑन कम ऑन. राइबोसोम पढ़ा है ये मुझे भी पता है, बिकॉज मैं 10th को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि तुम लोगों ने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है. वेरी गुड वेरी गुड, दिस इज अ ब्रिलियंट आंसर प्रथमेश. आई विल फेलिसिटेट यू फॉर दिस. मैं राष्ट्रीय पुरस्कार लेकर आ रहा हूँ आपके घर में. स्कूल में पढ़ा बेटा, राइबोसोम स्कूल में पढ़ा है मुझे पता है, बट कौन से चैप्टर में, कौन से टॉपिक में, ये पूछ रहा हूं. यस चुन्नू मुन्नू, ऐसे बच्चे हैं तुम लोग. हाँ, एक एक ना मुझे एक चीज क्लियर करनी है, अभी से क्लियर करनी है. जब भी कभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ ना, ठीक है, जब भी कभी मैं आपसे सवाल पूछता हूँ तो आपको ना आंसर सवालों में नहीं देना है कि सर वो ये करेगा क्या क्वेश्चन मार्क, सर वो करेगा क्या क्वेश्चन मार्क, क्या वो सर ये कर सकता है क्वेश्चन मार्क. मुझे क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस नहीं चाहिए आप लोगों से. अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए कि सर राइबोसोम ये वाले चैप्टर में पढ़ा था और राइबोसोम का फंक्शन ये होता है. ऐसा होगा ना ये सर, वो होगा ना ये सर, ऐसा क्वेश्चन काय को पूछते हो? क्यों डाउट रखते हो अपने मन में? कॉन्फिडेंस नहीं अपने आंसर को लेकर? यस, कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं है? यस, अपने ऊपर डाउट रखते हो? डोंट यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ? है ना, है क्या? नहीं है? तो कोई डाउट मत रखो. पढ़ा है ना आप लोगों ने, आपको याद आ रहा है ना, बोल दो कि सर मैंने ये राइबोसोम का टॉपिक ये वाले चैप्टर में पढ़ा है और इस वाले चैप्टर में मैंने राइबोसोम के बारे में ऐसा ऐसा पढ़ा था. दैट्स इट. सर ये हो सकता है ना, वो हो सकता है ना, ये क्यों पूछना है? पूछो ही मत, मुझे पता है आपको पता है करके. ठीक है, सो राइबोसोम ये जो चैप्टर, ये कौन से चैप्टर में पढ़ा हुआ था? आपने एक चैप्टर पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें आपने पढ़ा था रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कुछ ऐसा पढ़ा था, ट्रांसलोकेशन. यस, फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर साइंस टू टेक्स्ट बुक, जिसमें आपने पढ़ा था कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेप्लिकेशन. फर्स्ट पेज में, फर्स्ट सेकंड पेज में ही है तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर के. यस, हाँ पढ़ा था, डेफिनेटली पढ़ा था, सबने पढ़ा था, बिकॉज मैंने भी पढ़ाया हुआ है मेरे 10th के बच्चों को, तो मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ा. तुम्हारा राइबोसोम जो है, यस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा था गाइस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा था. ठीक है, जो तुम्हारा राइबोसोम है वो राइबोसोम क्या करता है पता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. क्या करेगा चुन्नू मुन्नू? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. लिख लो, लिख लो अभी के अभी लिख लो, जिसने लिखा जस्ट लिख दो यो इन द चैट बॉक्स एवरीवन. What is the function of ribosome? Protein synthesis. जिसने लिख लिया नोटबुक के अंदर यो टाइप कीजिए.
लिख लिया सबने, वेरी गुड। क्या है फंक्शन राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या होता है रे? क्या होता है प्रोटीन सिंथेसिस बताइए, मतलब क्या प्रोटीन सिंथेसिस? वेरी गुड रूपम, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का प्रोडक्शन। प्रोटीन किससे बनता है रूपम, साक्षी, सलोनी, बताइए प्रोटीन किस चीज से बनता है? किस चीज से बनता है? प्रथमेश ने लिखा एटीपी। नहीं बेटा, एटीपी से नहीं बनेगा, एटीपी तो एनर्जी है। प्रोटीन किससे बनेगा? वेरी गुड, अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, यस और नो? पढ़ा है ना बचपन में, प्रोटीन्स किससे बने? अमाइनो एसिड्स, यस। जैसे हमारी जो बिल्डिंग है, ओके, जिसमें हम लोग रहते हैं, वो बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स मतलब ईटों से बनी हुई है। ईट, ईट समझते हो, ब्रिक, बी आर आई सी के, रेड कलर की होती है ना ब्रिक, उससे बनी हुई है। सो अगर ये ब्रिक को मैं बाजू बाजू में लगाते जाऊंगा लगाते जाऊंगा लगाते जाऊंगा, तो क्या मैं दीवार बना सकता हूँ? ब्रिक्स को मैं लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, मैं एक दीवार बना लूंगा, बहुत सारी दीवार बना लूंगा, और बहुत सारी दीवार बनाने के बाद में क्या हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, यस और नो? यस और नो? उसी तरीके से अमाइनो एसिड को अगर मैं ऐसे ज्वाइन करते जाऊं तो क्या बनेगा बच्चों लोग? प्रोटीन बनेगा। इज दैट क्लियर? सो बेसिकली तुम्हारा ये जो राइबोसोम है वो एग्जैक्टली क्या करेगा? अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने में मदद करेगा, मतलब प्रोटीन बनाने में मदद करेगा। जिसको जिसको एक सेकंड में समझ गया, जस्ट ड्रॉप योर हैंड्स इन द चैट बॉक्स, कम ऑन। अमाइनो एसिड को ज्वाइन करने के लिए हमारे पास में, हमारे सेल में राइबोसोम होता है। राइबोसोम हमारे सेल में क्यों है? जस्ट बिकॉज हम लोग क्या कर सकते हैं, अमाइनो एसिड को ज्वाइन कर सकते हैं और प्रोटीन बना सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आगे बढ़ते हैं कि तुम्हारा ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था? बिकॉज ये एमसीक्यू में लाख करोड़ बार पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि राइबोसोम को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? द साइंटिस्ट नेम वॉज पैलेडे। वॉट इज द साइंटिस्ट नेम कॉल्ड एज पैलेडे? इन द ईयर 1953। आपको बायोलॉजी में एक चीज की खास ध्यान रखनी है कि आपको साइंटिस्ट के नाम, उनकी डिस्कवरी क्या थी, ये याद रखना है। ईयर याद नहीं रहा चल जाएगा, बट आपको उसका क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, एटलीस्ट द फर्स्ट नेम, और उसका डिस्कवरी को भी याद रखना है। सो व्हाट इज पैलेडे, व्हाट हैज पैलेडे डन टू बायोलॉजी? बायोलॉजी के अंदर तुम्हारे पैलेडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? पैलेडे ने की थी। प्लीज रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट, ये तुम्हारे जो राइबोसोम है इसके पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये समझ लो कि राइबोसोम के पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं है। दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ठीक है। एग्जाम में, एमसीक्यू में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ऑप्शन में दिया है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, और लास्ट में ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द अबव। क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? डैश इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। डैश सेल ऑर्गेनेल इज नॉट बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स इट इज राइबोसोम, क्योंकि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में दो मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के पास में दो मेम्ब्रेन्स है, बट राइबोसोम के पास में एक भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ये राइबोसोम जो है वो किससे बना हुआ है? राइबोसोम जो है वो राइबोसोमल आरएनए से बना है और प्रोटीन से बना है। आई रिपीट, तुम्हारा राइबोसोम किससे बना हुआ है?
राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। तुम्हारा राइबोसोम कहाँ कहाँ पे होगा, ये राइबोसोम, ये ऑर्गेनल कहाँ कहाँ पे होगा, ये तुम्हारे यूकैरियोटिक सेल में होगा, और यूकैरियोटिक सेल के वो माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, प्लास्टिड्स में भी होगा, और तुम्हारे साइटोप्लाज्म में भी होगा। जब भी कभी मैं साइटोसोल ये वर्ड का इस्तेमाल करूंगा तो समझ जाना साइटोसोल मतलब क्या होता है, चुन्नू मुन्नोस, साइटोप्लाज्म मतलब सेल के साइटोप्लाज्म में भी है, सेल के अंदर जो प्लास्टिड दिया हुआ है उसमें भी है, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी उसका राइबोसोम है। प्लास्टिड के अंदर मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है, और सेल के साइटोप्लाज्म में भी तुम्हारा क्या है, राइबोसोम है। इज दैट क्लियर? यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और साइटोप्लाज्म में क्या है, राइबोसोम है, ठीक है। चलिए, राइबोसोम्स जो होते हैं वो तुम्हारे कौन से वाले सेल ऑर्गेनेल को अटैच्ड रहते हैं, एनी डाउट, एनी आइडिया? किसी को आइडिया है कि राइबोसोम कौन से ऑर्गेनेल को अटैच्ड रहते हैं? करेक्ट, कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम श्रेया? वेरी गुड, कौन सा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वेरी गुड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच रहते हैं तुम्हारे राइबोसोम, ठीक है। इज दैट क्लियर? हमारे सेल के अंदर दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, एक जो तुम्हारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच्ड है, और दूसरे राइबोसोम जो तुम्हारे सेल के अंदर आइसेज घूम रहे, आइसेज घूम रहे मतलब होता है ना, देखो फॉर एग्जांपल कि तुम्हारे जनरेशन में कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको माँ बाप जो है वो ऐसे प्रोटेक्शन में नहीं रखते हैं, वो बोलते कि उसको जो करना है करने दो, वो घूमने जाए फिरने जाए कुछ भी करे उनको फर्क नहीं पड़ता है। बट ऐसे भी मॉम डैड होते हैं ना जो बहुत अति स्ट्रिक्ट होते हैं, वो क्या बोलते हैं, नहीं तो किधर नहीं जाएगा, नहीं तो किधर नहीं जाएगी, यस और नो, यस और नो, ऐसे भी है ना। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम चिपके हुए हैं, they are attached, they are not moving anywhere, वो उधर ही है, वो किधर नहीं जा रहे, वो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं नहीं जा रहे माँ बाप का साथ छोड़कर, ठीक है। और जो राइबोसोम तुम्हारे साइटोप्लाज्म में गोल 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 किधर भी जा रहे हैं, वो तरीके के बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने कोई ऐसे स्ट्रिक्टनेस ने पकड़ा नहीं है। इज दैट क्लियर? ये एग्जाम्पल दिया मैंने, ये एग्जाम में लिखना मत, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम में लिखने की चीज नहीं है, ये आपको समझने वाली चीज है कि राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो तुम्हारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अटैच रहेगा, या तो वो तुम्हारे सस्पेंडेड रहेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, वो घूमते रहेगा यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है वो ATS का होता है। मैंने तुम लोगों को S का मतलब समझाया था ना, वॉट इज S, 70S and 80S, what is this S stands for, anyone? Yes, what is this S stands for, come on, any one of you, what is this S stands for, come on, ये मैंने प्रोकैरियोटिक सेल में भी बताया था आप लोगों को S का मतलब क्या है, राइबोसोम जब पढ़ा रहा था प्रोकैरियोटिक सेल का। What is this S? S stands for Swedberg unit. याद आ रहा है किसी को? भूल जाते हैं पीछे का सब कुछ, सब कुछ पीछे का भूल जाते तुम लोग। Swedberg unit, Swedberg unit, जिसको हम लोग sedimentation coefficient भी बोलते हैं, जिसको हम लोग sedimentation coefficient भी बोलते हैं। Is that clear? What is this S? It is called as Swedberg unit, or it is also called as sedimentation coefficient. Coefficient की spelling गलत लिखी है मैंने, coefficient. Yes. Is that clear? सबके दिमाग में चमका? तुम्हारा प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कौन से एस का है, 70S का है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कौन से एस का है, 80S का है।
बच्चा पार्टी, एक चीज याद रखो कि तुम्हारे राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट होता है, एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। देखो यहाँ पे एक बड़ा सा सब यूनिट है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम एक बड़ा सा सब यूनिट है और एक छोटा सा सब यूनिट है। सो जो बड़ा सा सब यूनिट है वो बना हुआ है 50S से और जो छोटा सब यूनिट है वो बना है 30S से और तुम्हारा पूरा राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक का वो बना है 70S से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यूकैरियोटिक के ऊपर। देखिए कि तुम्हारा यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 80S का होता है, 80S का राइबोसोम है तुम्हारे यूकैरियोटिक राइबोसोम। उसमें जो तुम्हारा लार्जर सब यूनिट होता है वो 60S का होगा और जो स्मॉलर सब यूनिट होगा वो 40S का होने वाला है, वो 40S का होने वाला है। लार्जर सब यूनिट 60S, स्मॉलर सब यूनिट 40S, तो यहाँ पे तुम्हारा यूकैरियोटिक राइबोसोम किससे बनेगा, 80S का बनेगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में लार्जर सब यूनिट 50S, तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट 30S, तो वहां पे तुम्हारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से S से बनेगा, 70S से बनेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? यस और नो, ड्रॉप योर अमेजिंग हार्ट्स इन चैट बॉक्स, कम ऑन एवरीवन। वेरी गुड, ठीक है। जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं, जो साइटोप्लाज्म में आइसेज घूम रहे हैं, वो फ्री राइबोसोम एक साथ आएंगे, ऐसे एक साथ आएंगे, ऐसे लाइन से खड़े हो जाएंगे और क्या करेंगे पता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। मतलब ये भी राइबोसोम है, ये भी एक राइबोसोम है, ये भी एक राइबोसोम है और ये भी एक राइबोसोम है। ऐसे सारे राइबोसोम जो है वो क्या करेंगे, मिलकर एक साथ में एक पॉली राइबोसोम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पॉली राइबोसोम। पॉली राइबोसोम मतलब एक दो से ज्यादा राइबोसोम्स, दो से ज्यादा राइबोसोम्स अगर एक साथ जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ में तो वो हो जाएगा पॉली राइबोसोम और वो क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द एंटायर राइबोसोम इन वन शॉट, ध्यान से सुनिए। राइबोसोम को सबसे पहले ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट का नाम था पैलेडे इन द ईयर 1953। राइबोसोम के पास में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन। दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, अगेन वन एमसीक्यू क्वेश्चन। इन यूकैरियोटिक सेल दैट दे आर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड साइटोसोल, मतलब तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल में होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ये प्लास्टिड्स में होगा और ये साइटोप्लाज्म में भी होगा राइबोसोम्स तुम्हारे। राइबोसोम्स जो होते हैं वो तुम्हारे रफ एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम को अटैच रहते हैं या फिर कभी कभार तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर वो गोल 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 घूमते रहते हैं फ्रीली। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो होते हैं वो 80S के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S के होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम के जो 80S का जो लार्ज सब यूनिट है वो 60S का बना हुआ है और स्मॉल सब यूनिट 40S का बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S से बना है, उसका लार्ज सब यूनिट 50S से बना हुआ है और उसका स्मॉल सब यूनिट 30S से बना हुआ है। तुम्हारा जो राइबोसोम जो है वो तुम्हारे प्रोटीन्स को बनाने में मदद करता है। फ्री राइबोसोम जो रहते हैं वो तुम्हारे पॉली राइबोसोम्स बनाते हैं और पॉली राइबोसोम बनाकर वो क्या करेंगे, प्रोटीन को सिंथेसिस करेंगे। एनी डाउट सो फार, एनी डाउट्स, कम ऑन एवरीवन, एनी डाउट्स?